పద్మపత్రనిభేక్షణ వందే పద్మముఖీ దేవీ పద్మనాభ ప్రియామహం పద్మాలయ तू अब का गाना गाते हो? अब मालपानी ये कौन सा भाई स्कोप का है? अरे धरती बाबू, ये सिनेमा का गाना नहीं है, आज मेरे बड़े बेटे राजेश का जन्मदिन है, इसलिए छोटा बेटा राकेश गाना गा रहा है। आप इतना भी नहीं जानते? नहीं, कहाँ से जानेंगे यार, अभी तो मैं इनको गांव से शहर पकड़ के लाया हूँ रेस खेलने के लिए। वहाँ छोटा मोटा धंधा था, जीत गए तो बड़ा धंधा करेंगे क्या? तो जल्दी चलो, हुआ 30 लाख का जैकपॉट इंतजार कर रहा होगा। चलो चलो चलो। अरे अरे एक मिनट ठहरो, बुजुर्गों का कहना है बच्चे की जुबान पर भगवान का नाम होता है। चल बेटा राकेश, जल्दी से बोल डाल 5 नंबर। 3 2 1 4। आप अपने साथ बच्चों को रेस की बीमारी क्यों लगा रहे? क्या भाभी, पैसे को बीमारी बोलती हो? आज ये तुम्हारा पति है, कल ये लखपति होगा। ओ वनस्पति, चलो जल्दी। अरे चलो यार, चल। अच्छा सुनो, मैं वो ट्रिपल पूल का 1 लाख। धरती राज जी, आप सचमुच इसमें से 15 लाख रुपए पांडे को देने वाले हैं? देना तो पड़ेगा ही, दोस्त है। आजकल के जमाने में लोग दोस्त का गोश्त खा जाते हैं, उसको 15 लाख दे रहे हैं? अरे फांदेबाज ऐश करते हैं, और जो ईमानदार होते हैं वो भूखे मरते हैं। एक आईडी की बात बताऊं, इसको जी ने आपके लिए 10,000 रुपए भेजे हैं। उनका कहना है कि मैं आए दिन लोगों की मदद करते रहता हूं, तो चलो आज अपने दोस्त के परिवार को भी थोड़ी सी भीख दे ही दूं। तो मैं उनकी ये प्यार भरी भीख आपके लिए लेकर आया हूं। नमस्ते। तुम्हारे बुरे वक्त में काम आएगी। तेरा पति मर गया लगता है, तेरी अकल भी मर गई का? अरे हमरी भीख हमरे मुंह पर मारोगी तो इन बच्चों के मुंह पर रोटी कहां से मारोगी? हाँ याद आया, टी तुहार बिटुआ है ना, टी गाना बहुत अच्छा गाता है, तो फिर कहाँ है? टी का रेल के डब्बे में बस के अड्डे पर भिखारी बनाकर गाना गवाती रहे ना, कमाई काफी हो जाएगी। ए धरती राज, तू अपनी काली करतूतों से मेरे सिंदूर मेरे सुहाग को मिटा सकता है, लेकिन मेरे बच्चों की तकदीर के लिखे को नहीं मिटा सकता। मैं मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल इंसान बनाऊंगी, और अगर भगवान सच्चा है धरतीराज, तो एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि तू मेरे दरवाजे पर खड़ा होकर मुझसे और मेरे बच्चों से भीख मांगेगा, ये बात याद रखना। अरे जाओ जाओ, अब तो धरती पे धरतीराज का राज होने वाला है। अरे मैं मारवा नहीं अंकल बेटे, जो अब हम बात नहीं करते। क्या धरतीराज जी, आपकी बेटी तो पहचानती है, वो करने लगती है। अरे ऊ का छोड़ो, तुम हमरी बात ध्यान लगाकर सुनो। देखो हम है बनिया की औलाद, हम जो तुमका ये रुपया दिया ना, ये वलायत में जाकर कहीं धंधे पे लगा दो। आज से हम तुम्हारे मालिक और तुम हमारे वलायत में मैनेजर, और अगर कुछ गड़बड़ हो तो हम का बुला ले, हम आ जाए। नहीं हुआ तो गड़बड़ नहीं होगी, मेरे गड़बड़ ही है, उसका क्या करें? का हमारा एक बेटा है, उसको ले जा साथ में। हाँ ले जाओ उसको, तुम ले जाओ। अरे काहे को पहला, वो समझ में नहीं आता। अच्छा हम चलते हैं, जाओ। जी हाँ, यही वो मेरी अंधी पोती है जिसका इलाज कराने में शहर जा रहा हूँ। इतनी छोटी सी उम्र, और ये सुन, भगवान के न्याय और अन्याय की कोई सीमा नहीं। आ, 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 आ,
अरे बैठो 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 बैठो। हमका तुम मान बेसक ना ही दो, लेकिन माल दो। तुमका तो मालूम है कि हम पढ़े लिखे आदमी नहीं, फिर भी रोजमर्रा के खाने पीने की चीजों में मिलावट करके रुपया कमाने के लिए तुम लोगों ने हमको अपना नेता माना। काहे? इसलिए कि हमारी खोपड़ी के गोदाम में अकल का झूलना झूल रहा है। चंबू वसूली शुरू करो। घास ले जी 2 लाख, चावल साहब 5 लाख, शक्कर जी 7 लाख, देसी दारू जी 10 लाख, सीमेंट जी सर भाई इनकम 3,550 रुपीज़ 50 पैसा। अरे जब तुमका मालूम है कि हमका अंग्रेजी जबान नहीं आती तो फिर अंग्रेजी में हिसाब काहे दे रहे हो? अरे इसीलिए हमने हर भाषा को समझने वाले विद्वान को तर्जुमा करने के लिए अपने साथ रखा है। जम्बू जी ये बोला, ये कह रहे हैं कि इस बार हमारी आमदनी 3,550,800 हुई। अरे जी, पिछले महीने से 1 लाख कम कैसे हो गए? सर लोग मिलावट पर बहुत शोर मचा रहे हैं। अरे मचाने दो, ये तो तुम लोग सब जानते हो कि आजकल दुनिया में हर चीज में मिलावट है सिवाय दो चीज के। पूछो का? एक तो गरीब के आंसू जी, दूसरे माँ का दूध। तुम लोग जल्दी जल्दी अपना रुपया अपने अपने झूलों में रखो और यहाँ से चले जाओ। अरे जम्बू जी, वो जो हमारी प्यारी बिटिया वलायत में पड़ रही है ना, उनके फोन आने का वक्त हो गया है। आओ मेरे साथ। हेलो हेलो डैडी। अरे बेटी ज्योति, अरे मेरी आंखों की ठंडे। हेलो, अरे तू ही बोल रही है ना? हाँ डैडी, मैं ही बोल रही हूँ। आप अच्छे तो है ना? हाँ हाँ बेटी, मैं तो अच्छा हूँ, मगर तेरी आवाज बड़ी कमजोर आ रही है। खाना तो खाया ना? डैडी आप मेरी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं हर चीज बिल्कुल सही वक्त पर करती हूँ। वो सुनो, वो माल पानी तो जिंदा है ना? वो सुतरा आराम की खा खा के मोटा हो गया होगा। उनको बोलना कि हमारे धंधे और जायदाद की अच्छी तरह रखवाली करे। हाँ, और सुनो एक राज की बात, हमने तुमका यूरोप पढ़ने के लिए इसलिए भेजा था कि पढ़ाई की पढ़ाई भी हो गई और जासूसी की जासूसी भी। और सुनो, हेलो, ऊ ससुरा कौनो रिश्ते की बात करे तो ऊ की बात में मत आना, ऊ बहुत आरामी है। ओ डैडी बस करो, रिश्ता कोई नाश्ता नहीं कि जिसने छोड़ना चाहा छोड़ दिया। रिश्ता कब जोड़ना है, कहाँ जोड़ना है और किससे जोड़ना है मुझे अच्छी तरह मालूम है। हाँ आप फिक्र मत कीजिए। ओके बाय बाय डैडी। ज्योति यू इवन मेक अ फूल ऑफ योर डैडी। ये जिंदगी दुनिया के समुंदर में एक बुलबुले की तरह है, इससे पहले कि ये बुलबुला टूट जाए हमें जवानी के हर चुलबुलेपन को पूरा कर लेना चाहिए। सर यस, वन पर्सन इज कम हियर फॉर अ जॉब ऑफ अ सिंगर इन योर क्लब। कौन सा मुल्क का है? अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, जापान? ओ नो सर, ही इज एन इंडियन। टू इंडियन? यस सर। मार निकालो, किक हिम आउट, क्लब गंदा हो जाएगा। चुप, उनसे तो यहाँ के फकीर अच्छे, जबरदस्ती घूम के उसके पर तो नहीं जाते। अबे भाई से फिरा क्या तू? आई हैव नॉट कम हियर सर, दैट मैन हैज किक्ड मी, दैट्स व्हाई आई एम हियर। हो गया जी, कौन लग रहा? मैंने मैं तो ठीक है, मगर तू हो कौन? मेरे क्लब में आके मेरे आदमी को लात मार के फुटबॉल की तरह मेरे सामने फेंक दिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत? हुजूर, आप मेरे इस मामूली से कारनामे को हिम्मत का नाम देकर मेरी हिम्मत की बेइज्जती कर रहे हैं। अगर आप इसको हिम्मत कहते हैं तो फिर आप उसको क्या कहेंगे जब मैं आपको उठाकर घूसा लगाकर सड़क पर वॉलीबॉल की तरह फेंक दूंगा? मतलब तुम मुझे मारोगे? अवश्य। जो इंसान हिंदुस्तानी होते हुए भी हिंदुस्तानी को पहचानने से इनकार करता है, उसकी बेइज्जती करके दरवाजे से भगाना चाहता है, ऐसे इंसान को मारना हिंदुस्तानी संस्कृति के अनुसार बड़ा मना। देखो भाई, मैं हर सवाल का जवाब कहावत या मिसाल में देता हूँ, तो मैं आपकी तरफ एक मिसाल फेंकूं। देखो क्या है कि अगर मैं विदेश में भटकने वाले सारे हिंदुस्तानियों को अपना समझने लग जाऊं तो 5 मिनट के अंदर मेरा ये क्लब बेकार, बेरोजगार, बीमार हिंदुस्तानी से भर जाएगा और ये माल पानी आपको सड़क भीख मांगता हुआ नजर आएगा। इसलिए मैं आपको नौकरी नहीं दे सकता मेरे बाप। अब मैं एक मिसाल मारूं? मारूं? हाँ हाँ, फेंकते और मैं मारता हूँ। तो हुजूर, मिसाल यह है कि जब इंसान भगवान के सामने जाता है तो उसके हाथ खुद ब खुद जुड़ जाते हैं, और अगर भूत या शैतान नजर आए तो उसे जूता मारने के लिए हाथ खुद ब खुद खुल जाते हैं। इसका क्या मतलब होता है? मतलब आपको देखकर मेरे हाथ कैसे खुल गए, देखिए। मतलब मैं भूत या शैतान हूँ? अवश्य। जो इंसान अपने देश से निकलकर वहां की जन्म देने वाली धरती को भूल जाता है वो इंसान शैतान कहलाता है, और शैतान की दुकान में काम करना शरीफ इंसान की तोहीन है। इसलिए मैं भी तुम्हारे क्लब में काम नहीं कर सकता।
मर गया। सॉरी जेंटलमैन सॉरी। फादर है ये कौन? तुम इसके बेटे हो? मर गया। फादर है। क्या है? कौन था जो मुझको उठा रहा था? लेकिन जब इसे मालूम हुआ कि मैं आपका बेटा हूँ, मुझे वापस गिरा दिया। कौन है? मेरे से सवाल करने वाला कौन होता है? हम बाप बेटे के बीच में अग्रीमेंट है कि मैं सवाल हूँ तो जवाब है, मैं जो पूछूंगा तुझे जवाब देना पड़ेगा। तो मैं शुरू हो जाऊँ? गाय घास क्यों खाती है? दूध देने के लिए। भैंस पानी क्यों पीती है? दूध देने के लिए। मैं हिंदुस्तान की घास छोड़कर दुनिया भर की घास क्यों खा रहा हूँ? मुझे दूध देने के लिए। लानत है, बेवकूफ, गधा, नालायक, इडियट। 6 फुट का कद निकल आया, मैं जेम्स का दिमाग पैदा नहीं कर सका। यस फादर है। सुन, धरती राज जिसकी बेटी ज्योति यही विलायत में पढ़ती है, रोजाना उससे मुलाकात कर, उसके दिल में घर पैदा करने की कोशिश कर। क्या खास दिल के अंदर घर पैदा करूं? वो तो मुझे अपने घर नहीं घुसने देती, मेरी शक्ल देखना पसंद नहीं करती। खच्चर, शहद की मक्खी फूल का रस चूस चूस कर शहद बनाती है, मगर अकलमंद आदमी एक ही झटके में सारा शहद निकाल कर पी जाता है। उसी तरह धरती राज ने लोगों का खून चूस चूस कर चूस चूस कर चूस चूस के बहुत सारा माल जमा किया है, और अगर तेरी शादी ज्योति के साथ हो गई तो हम माल पानी लोग सारा माल पानी की तरह पी जाएंगे। आए, आए, क्या आइडिया मारा है? अच्छा है। सलाम आरो। आए। बस। हाय राकेश। बुजुर्गों ने कहा है कि जब लड़की सामने आए तो लड़का मुस्कुराएगा। क्लब में गवैये की नौकरी नहीं मिली तो लड़का क्या खाक मुस्कुराएगा? एक गवैये को अच्छे खिवैये की जरूरत होती है, बगैर सिफारिश के क्या काम मिलेगा? आखिरी बार सुन लो, ये महाशय अपने काबिलियत से नौकरी हासिल करेगा। तुम जिसे मिले वो मेरे बाप का नौकर है, हम बोलेगा तो वो तुम्हें एक मिनट में नौकरी दिलवा देगा। चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा, लड़की के थ्रू नौकरी मिले अपुन कभी नहीं करेगा। तो फिर हम गुस्से की आग में जल जाएगा, हम गाना गाएगा, गुस्सा उड़ जाएगा, छोकरी मुस्कुराएगा, कसम खाएगा।
जवान जहां प्यार ईमान जहां प्यार अरमान जहां वहां से आया हूं मैं प्यार वो लाया हूं मैं मांगने के लिए आया था तो आपने उसे गाले देकर बाहर निकाल दिया था। अब जब वो ब्लू मून क्लब में गाला गाने लगेगा तो सारा माल वहां चला जाएगा और कड़के का पानी हमारे पास आ जाएगा। क्या किया आपने? मेरा सिर्फ नाम माल पानी है, दरअसल मैं आग हूँ जो पानी में नहाती है मगर बुझने नहीं पाती है। बस करो, मेरी जान जाती है। एक सवाल मारूं? लेकिन मैं जवाब नहीं दूंगा। देना पड़ेगा, तेरा मेरा पुराना एग्रीमेंट है कि मैं जब सवाल मारूंगा तुझे जवाब देना पड़ेगा। भगवान ने इंसान को टांगे किस लिए दी है? पतलून पहनने के लिए। खचर? सिर्फ पतलून पहनने के लिए? जूता पहनने के लिए। उल्लू? गधे? नालायक? कभी तो अकल की बात किया कर। जब कोई नाराज हो, बात मानने को तैयार ना हो तो टांगे पकड़कर माफी मांगने के लिए है। फादरे, क्या सवाल मार रहा है? अच्छा है ना, तो सलाम मारो। अरे तुमने मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हो? हम तुम्हारे पैर नहीं पकड़ रहे हैं, बल्कि तुम्हारे गले में जो सुर है उस सुर के पैर पकड़ रहे हैं। जब तक आप हाँ नहीं बोलेंगे हम आपके गले के पैर नहीं छोड़ेंगे। उस दिन जो तुमने मुझे अपने क्लब से बेइज्जत करके निकाल दिया था, हिंदुस्तानी होने से इनकार कर दिया था, जो लोग हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी को मान नहीं देते मैं उनका काम नहीं करता। अजी, कौन उल्लू का पट्टा हिंदुस्तानी होने से इनकार करता है? जिस तरह यूरी के गगन चांद की मिट्टी लेकर जमीन पर आया था, हम हिंदुस्तान की मिट्टी लेकर अपने साथ यहाँ आए हैं। सुबह शाम इसमें से चुटकी मिट्टी लेते हैं, आंखों पे लगाते हैं, फिर उसे चाट जाते हैं। अच्छा, अभी मालूम पड़ जाएगा कि तुम्हारे दिल में हिंदुस्तान के लिए कितना मान है। मैं तुम्हारे यहाँ एक ही शर्त पे काम करने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम ये हिंदुस्तान की मिट्टी मिलावा पानी पी लो। बोलो इसको। ये हिंदुस्तानी मिट्टी नहीं है, जिम्बाब्वे की मिट्टी है। मेरे भेजे के स्क्रू घिस घिस के ढीले हो गए, इसलिए अक्सर झूठ बोला करते हैं। फिर भी हम आपसे माफी मांगते हैं, हमारे क्लब के लिए गाना गाने आओ ना। एक मिसाल मारू? देखो, तुम इस देश में नए नए आए हो और नए आदमी को ऊंचाई तक पहुंचने के लिए अपने देश की बनी हुई सीढ़ी की जरूरत पड़ती है। हम दोनों सीढ़ी बन जाते हैं और तुम हम पे पैर के ऊपर चढ़ जाओ। बन जाओ सीढ़ी। मैं भी एक मिसाल मारूं? आज तो मारूं लगता है। दो लोग अपने मतलब के लिए पहले पैर पकड़ लेते हैं, वो बाद में मौका मिलने पर गर्दन भी पकड़ लेते हैं।
क्या मिसाल मारे हैं फादर, फादर उनको सलाम करेगा। एथलीट का माल उठा लो साहब। ये शक्कर का माल, अरे वाह। दारू, अरे जंगुली का, ये दारू की धब्बी तो बहुत छोटी हुई गई। मैंने सब पता कर लिया साहब, पहले इस मोहल्ले में सिर्फ अपनी ही दारू की दुकान थी, अब अपनी दारू की दुकान के सामने एक और किसी ने दारू की दुकान खोल ली है और उसके दारू में मिलावट भी कम है, इसलिए अपने ग्राहक कम हो गए और ये थप्पी छोटी हो गई। क्या कहा? अरे हमारी दुकान के सामने किसी और ने दारू की दुकान खोल ली है। ओहो, ये का मतलब है कि वो कोई छोटी हस्ती नहीं, इसलिए तुम किराए के गुंडे राजेश को बुलाई लो। अरे उनको 2000 रुपए का लालच दो तो अपने आप दुकान का सत्यानाश कर दे। अबे ओ लल्लू, लोगों से नोट असली लेता है और दारू नकली देता है, इसकी सजा है। बकवास सुनकर मैं तुझे मार मार कर इस नकली दुनिया से ऊपर वाली असली दुनिया में भेज दूंगा। अब खुश हुए कि पहली बार किसी माई के लाल ने अपना मुंह लाल करके हमें धमकी देने की नाकामयाब कोशिश की है। अबे ओ कबूतर के, मैं तुझे मार मार के चिड़िया बना दूंगा साले। सिर्फ इतना पता शुरू कहां से करूं, दुकान से कि तेरे पास? अब समझ में आया असली नकली का फर्क? कल के बाद तू या तेरी टूटी दुकान यहां नजर आई ना तो तू इस दुनिया में नहीं रहेगा, समझ गया लल्लू? लो रुपया जिसका हमने वादा किया था। राजेश, तुम ये छोटा मोटा काम क्यों करते हो, कहां कमाई होती होगी? अरे हमारा एक बड़ा काम करो, हम 50,000 रुपया देंगे। कौन सा काम? जिन गरीबों की बस्ती में तुम रहते हो वो झोपड़ पट्टी खाली करवा दो, हम तुमको नया बंगला भी बनवा देंगे और 50,000 रुपए भी देंगे इनाम के। राज, शायद मैं तुझे किराए की गुंडागर्दी से कमाने वाला कोई कसाई नजर आ रहा हूं, मगर ऐसा नहीं है। जानता है रुपए मैं किसके लिए कमा रहा हूं? अपनी बहन के लिए। राजेश के हाथ गरीबों में कभी नहीं उठ सकते, आइंदा ये नीच ख्याल अपने दिमाग में कभी मत लाना धरतीराज। हाँ एक बात और, मुझे मालूम है कि मेरे इनकार करने पे ये काम तुम किसी और से करवा लोगे, लेकिन इतना जरूर याद रखना धरतीराज, अगर तुमने ये काम किसी और से करवाया तो मैं बगैर किराया लिए तुम्हारे उन किराए के गुंडों की टांगे तोड़ दूंगा। मूर्तियां ज्यादा हो गई हैं या बिक नहीं रही, तोड़वा कर मुझसे पैसा वसूल करना चाहती है? अरे इन मूर्तियों की बात छोड़, मैं तो इस मूर्ति को ढूंढ रही थी, सवेरे से था किधर? एक छोटा सा काम था। सीधा क्यों नहीं बोलते कि दारू के अड्डे पे मारामारी करके आ रहा है? बबलू ने तेरी बहन शांति को सब कुछ बता दिया है और मैं भी जाके बताती हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा सुन मत करना, वो ये सुनकर बहुत दुखी हो जाएगी और उसकी आंखों से बहते हुए आंसू के दो कतरे भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं बोलूंगी, पर मेरी एक शर्त है। वो क्या? बोल। तुम उससे फटाफट शादी कर डाल। शादी? हाँ शादी, हम दोनों की जोड़ी सीताराम की जोड़ी होगी। अरे सीताराम की जोड़ी तो बहुत बढ़िया जोड़ी थी,
मगर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ था। राम ने सीता को लोगों के मना करने के बावजूद भी शक के बिना पे जंगल में छोड़वा दिया था। अरे बाप रे, ये रहने दो। हाँ, अपनी जोड़ी शिव पार्वती की जोड़ी होगी। ठीक है, मगर कुछ मालूम है? शिव ने अपनी बीवी पार्वती को जमीन पे बिठा दिया था और दूसरी बीवी गंगा को अपने सर पे बिठा लिया था। क्या मुसीबत है। हाँ, अब हम राधा किशन की तरह रहेंगे। हाँ, ये मामला कुछ जमता है। हींग लगे न फिटकरी, रंग भी चोखा है। क्या मतलब? मतलब ये है कि राधा देवी किशन भगवान की कभी पत्नी नहीं थी। तो ये उनकी देताली। ओ छी 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 छी, क्या मुसीबत है। पति पत्नी बनने के लिए एक भी अच्छी जोड़ी की मिसाल नहीं मिलती। एक आइडिया दूं? हाँ। हम लोग अपने नाम की जोड़ी बना लेते हैं। राधा राजेश, राजेश राधा, एक हीरा एक मोती। चलेगा? चलेगा। अब तुम घर चलो, मैं तुम्हारे बारे में शांति से तारीफ कर दूंगी। दीदी दीदी, भैया और राधा भाभी आ रहे हैं, मगर उन्हें ये मत कहना कि मैंने तुम्हें कहा था कि उन्होंने दारू की दुकान पर झगड़ा किया था। शांति, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। तेरे बालों के लिए गजरा और तेरी मनपसंद मिठाई बालूशाही। सुबह से तुम कहाँ थे? कहाँ था? हाँ, कहाँ कहाँ गया था? नहीं, कहाँ गया था? बाजार। हाँ, बाजार तो गया था। हाँ, बाजार तो गए थे। क्यों राधा भाभी, उनके झूठ को छुपाने के लिए तुम भी झूठ बोल रही हो? भगवान ने मेरी आंखें छीन ली, कान तो नहीं छीने, तुम भी मुझसे सच छुपाने लग गए। सुनो शांति, भाभी भैया से सच बुलवाना मुझे आता है। भैया भैया, अगर तुम अपनी बहन से वाकई प्यार करते हो तो ये बताओ, तारू की दुकान पर तुम झगड़ा करने गए थे या नहीं? शांति, मेरे सर की कसम खाओ। तेरे सर के लिए तो एक भाई अपना सर भी कलम कर सकता है। मैं तो उसे झूठ नहीं बोलूंगा बहन। हाँ, मैं गया था। मैं जानती हूँ भैया कि तुम ये लड़ाई झगड़ा अपनी जिंदगी को खतरे में डालना सिर्फ इसलिए करते हो कि पैसे इकट्ठे करके मेरी आंखों का ऑपरेशन करवा सको। लेकिन भैया, कभी तुमने ये सोचा है कि उस वक्त मेरी हालत क्या होगी जब मुझे आंखें तो मिल जाएंगी मगर उन आंखों को मेरे भाई के चेहरे, उसके शरीर पे जख्म नजर आएंगे, खून नजर आएगा। तब तो इन आंखों से आंसुओं की जगह खून बह निकलेगा। मुझसे ये नहीं देखा जाएगा, मुझसे ये नहीं देखा जाएगा। मेरे दिल में तेरे लिए कितने सारे अरमान हैं, मगर मजबूरी की आग उन्हें जला डालती है। जानती है, बचपन में तेरे दादाजी ने मुझे मौत के मुंह से बचाया, मेरे जख्मों को मरहम किया, अपने हाथों मुझे खिलाया पिलाया बड़ा किया। मेरी जिंदगी के हर सांस पे दादाजी के एहसानों की मुहर लगी है। मेरी हर सांस दादाजी के कर्जदार है। मैं जिंदगी में दादाजी का कर्ज तो नहीं चुका सकता, मगर तेरे बुझे हुए आंखों की दीप में अगर जरा सी भी रोशनी भर सकूं शांति, तो मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती है। हाँ राजेश, अगर तुम शांति की आंखों की रोशनी लौटाने में कामयाब हो सके तो दादा की आत्मा तुम्हें दुआएं देगी। मैं दिन रात इसी कोशिश में तो लगा हुआ राधा। राजेश, तुम डॉक्टर के बारे में कुछ कहना चाहते थे ना? हाँ राधा, मालूम है अगले महीने अमेरिका को मशहूर डॉक्टर हिंदुस्तान आ रहा है, हम उसके हाथों अपनी बहन की आंखों का ऑपरेशन करवाएंगे। तो समझ लो आंखें मिल गई, हम सबसे पहले इसे अजंता एलोरा दिखाएंगे। मैं भी देखूंगा अजंता एलोरा। अबे ओ छोरे, ये उमर और अजंता एलोरा देखेगा? बैठ जा लल्लू, हम अपनी बहन को सबसे पहले ताजमहल दिखाएंगे। मैं भी देखूंगा ताजमहल। ताजमहल क्या है उसमें? हम उसे दिल्ली का कुतुब मीनार दिखाएंगे। हम तो अपनी बहन को चार मीनार दिखाएंगे। चार मीनार? चार मीनार का बच्चा? बच्चा? हाँ हाँ बच्चा, हम उसे कुतुब मीनार दिखाएंगे। अरे हम चार मीनार दिखाएंगे। मैं बोल रही हूँ ना, कुतुब मीनार दिखाऊंगी। मैं बोलता हूँ चार मीनार। कुतुब मीनार? चार मीनार। कुतुब मीनार? चार मीनार। शांति, तुम बताओ तुम क्या देखना चाहती हो? आंखें मिलने के बाद सबसे पहले
जो चीज देखना चाहते हूँ वो क्या है मालूम? अपने भैया का देवता समान रूप। भैया के हाथ में
शिकारी? देखा, हम बोला था ना कि गाने के मुकाबले में हम पहला इनाम मारेगा। जाने मन, हमको मालूम था कि तुम ऐसा करके रहेगा। और तुमने वादा किया था कि हमको इनाम मिलने पर तुम हमको पप्पी करेगा। यहाँ तो पब्लिक है, हम सबके सामने पप्पी कैसे करेगा? अरे ये तो नंगा है। अच्छा सुनो, हम हाथ का पर्दा करेगा तो चलेगा। हाँ, पर्दा है तो हम इनकार क्यों करेगा? अरे तुम जल्दी करो, खुशी के मारे हम पागल हो जाएगा। हमको मालूम था कि तुम ऐसे ही बदमाशी करेगा। हमको ऐसा बदमाशी करने में बहुत मजा आएगा। अरे थरे 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 थरे, तुम हमारा ज्योति से दूर रहेगा। तुम्हारी ज्योति? ये तुम्हारी ज्योति है, इसका तुमको जवाब देना पड़ेगा। जवाब देना पड़ेगा तो जवाब ये कि हम ज्योति से जल्दी शादी बनाएगा। अबे मुर्गी के, हमारे जीते जी ऐसा कभी नहीं होएगा। कभी नहीं होएगा। हम क्या करें, हमारा फादर ही ये बोला, इसलिए हम तुमसे बोलेगा। तुम्हारा फादर उल्लू और तुम उल्लू का पट्टा। अरे जरा हवा आने देगा। हवा आने देगा? तुम अगर ऐसा बोलेगा तो हम तुमको मारेगा मारेगा मारेगा। अबे भूती के, तू हमको मारेगा? हम तुमको मार के दिखाएगा। दिखाएगा 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 दिखाएगा। अगर मेरे फादरे को पता चल गया तो उस बेचारे का हार्ट फेल हो जाएगा। जिससे मिलता मार खाता, जहाँ जाता जूते खा के चला आता है। ऐसी नालायक दुर्गुण गधी औलाद मेरे घर में कैसे पास आओगे, मेरे समझ में नहीं आता है। आई मैं समझाता हूँ, सब समझ में आ जाएगा। अब मैं जो सवाल पूछूं तुम उसका जवाब देना। तेरी ये मजाल। आई शेर की कोख से कौन जन्म लेता है? शेर। हाथी की कोख से कौन जन्म लेता है? हाथी। बेवकूफ की कोख से कौन जन्म लेता है? बेवकूफ। अगर मैं बेवकूफ हूँ तो आप मेरे बाप है, इसका मतलब मुझसे बड़े बेवकूफ आप है। आए आए गधे की औलाद, आई तूने मेरी नहीं अपनी माँ की कोख से जन्म लिया है। आई तेरी माँ बेवकूफ थी इसलिए तू बेवकूफ पैदा हुआ है। आई लेकिन बेटा तो बाप पे जाता है। अगर कुछ बेटे ऐसे होते हैं जो अपनी माँ पे जाते हैं तो उनमें से। आई गधे की औलाद, आई कान ला इधर। इस शहर में भयंकर गुंडा है, आई जिसका नाम है शंभू। तो बोल बच्चा, तेरे को क्या चाहिए, हाथ पाँव या सर? आई लगता है मैं गलत जगह पे आ गया हूँ। अब 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 भाई साहब, आप कसाई तो नहीं है, गोश्त बेचते हैं क्या? नहीं बच्चा नहीं, हम गोश्त नहीं बेचता है। देखो शंभू के पास ज्यादा लोग हाथ कटवाने के लिए आता है, या पाँव कटवाने के लिए आता है, या फिर सर कटवाने के लिए आता है। तुम बोलो तुम्हें क्या कटवाना है। अच्छा भाई साहब मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे सर और पाँव कटाना है उसका आप क्या लेंगे? अब पाँव हटा दो। सर और हाथ कटाना है उसका आप क्या लेंगे? अब हाथ हटा दो। सर और पाँव कटाने का क्या लेंगे? और अगर तीनों साथ में कटाना हो उसका आप क्या लेंगे? और मुझे स्टूडेंट कंसेशन क्या देंगे? आए खामोश, मतलब की बात कराओ, कंसेशन मांगता है? आए बात यह शंभुदास जी, जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ एक और जलील आदमी हाथ धो के उसके पीछे पड़ गया। आप उसकी ऐसी हालत करो, ऐसी हालत करो कि वो दोबारा उसकी तरफ देख भी ना सके। समझ गया, उसको कराटे का किक चाहिए, या जूडो का वार चाहिए, या कुंग फू की फाइट चाहिए, या स्नेक बाइट चाहिए। आए ये सब क्या आए मालूम? नहीं ये कराटे है, ये कुंग फू। ये सब तुम्हें मेरी नहीं करनी है, उसकी करनी है। आई किसकी? राकेश की। आई राकेश की। अफ्रीका में तुम फॉरेन का गाड़ी में घूमेगा तो चलेगा, लेकिन तुम यहाँ किसी अमीर लड़की के साथ घूमेगा तो हम तुम्हारा ऐसा एक्सीडेंट करेगा कि दुनिया का कोई भी गराज वाला तुम्हारा पार्टी का गाड़ी नहीं लेगा। समझ गया बच्चा? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? हम ज्योति के बारे में बात करता है। देखो बच्चा, अगर तुम ज्योति के साथ घूमेगा, उसके साथ बात करेगा, तो हम तुम्हारा बॉडी में से सब स्पेयर पार्ट्स निकाल कर उसका समाधि बना देगा और फिर अपने हाथों से वहां पर ज्योति चला देगा। मैं तुम्हारी न मानू तो तुम क्या करेगा बच्चा? मैं करूंगा।
तेरे शरीर के स्पेयर पार्ट्स अलग करने वाला था ना। अब जाकर आईने में अपनी शक्ल देख, तेरे स्पेयर पार्ट्स मैंने कैसे अलग किए, पहचानना मुश्किल हो जाएगा। कौन सी है तेरी नाक, कौन सी है तेरी आंख, कौन सी है तेरा अगला हिस्सा, कौन सा है तेरा पिछला हिस्सा, कौन सा है। माँ, तुम्हारा आशीर्वाद लेकर पिताजी का सपना पूरा करने के लिए मैं यहाँ पहुंचा हूँ। लोगों ने तेरे बेटे की आवाज सुनकर उसकी कदर करना शुरू कर दी है। माँ, मैं 11 फरवरी इतवार के दिन हिंदुस्तान पहुंच रहा हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊंगा। तुम्हारा बेटा राकेश। अभी हम अपना घर जाएगा और अपने पिताजी से तुम्हारा परिचय कराएगा। पहले तुम अपनी सास यानी हमारी माँ से मिलेगा। क्या पता वो तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा। जैसे हमने तुम्हें अपनी सूरत से फसाया, वैसे ही अपनी सीरत से भी तुम्हारी माँ को फुसलाएगा। हमारी माँ जोहरी के माफक है, तुम्हें एक नजर में परख लेगा। तुम्हें हमें अपनाने का कोई उपाय बताएगा? बताएगा बताएगा, लेकिन रिश्वत के तौर पर तुम हमें एक पप्पी देगा। ये कोई सोने का कमरा है कि हम तुमको पप्पी देगा? प्रेमी लोग जमाने का परवाह नहीं करेगा। अरे जमाने का परवाह नहीं करेगा, मगर अपने माँ बाप का तो ख्याल करेगा। अच्छा बाबा करेगा, अब चलेगा? चलेगा। तुम्हारी पसंद से मैं बहुत खुश हूँ बेटा। इस लड़की को बहू बनाने से कौन इनकार करेगा। यहाँ से ग्रीन सिग्नल तो मिल गया, अब चलकर अपने डैडी से हरी झंडी भी दिलवा दो। अच्छा माँ जी। जल्दी चलो भाई। अच्छा माँ। अरे बेटी, जहाज में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? डैडी, ये राकेश है। नमस्ते जी। नमस्ते डैडी। एक मिनट। हाँ चलो। मैं आपको एक बहुत अच्छी खबर सुनाना चाहती हूँ। मैं इस लड़की से शादी करना चाहती हूँ, और आप प्लीज उससे जरा ठीक से बात कीजिए। हाँ ठीक से। हाँ मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ आपको? जाते वक्त तो बड़े तंग कर गए थे, वापसी में ढीले पड़ गए। कोई नसों की कमजोरी है क्या? अब तक तो नहीं थी, आगे होने का डर है। बैठो। ये बताओ तुम काम का करत हो? जी मैं गाना गाता हूँ। गाना बजाना करते हो? का बजाते हो, सीटी या ताली? जी नहीं, मैं क्लब में गाना गाता हूँ। क्लब में? अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा धन दौलत जायदाद कौनो जमीन? ये सब आपके पास होगा, मेरे पास तो कौड़ी भी नहीं है। वो मार बिटिया ने हमें सब कुछ बता दिया था, हम बहुत खुश हुए। पर बात ये है कि हमारे खानदान के असूलों के अनुसार शहर से कुछ दूर पर काली पहाड़ पर नाग देवता का मंदिर है, वहां जाकर नाग देवता की पूजा करके आओ, नहीं तो ये शादी नहीं हो सकती। अजीब बात है, लोग शादी के बाद मंदिर जाते हैं, आप मुझे शादी से पहले भेज रहे हैं, और वो भी शाम के मंदिर। अरे शिव शिव जी, सांप नहीं नाग देवता का हो, नहीं तो तुम्हारी आंखें अंधी हो जाएंगी। अपड़िया नियो रूपेरिया मणिधन अन्य नंबित पोरे अंगे अदावदो अपड़ी इपड़ी आंचना ना उन्ने सुम्मा विड पोर दिले विडन्नी कटिडवे। जम्बू ये कौन सी भाषा में बड़बड़ा गया है? ये साउथ इंडियन लैंग्वेज है, तमिल। वहाँ के मशहूर एक्टर है श्री एम जी रामचंद्र, ये उनकी भाषा है। अरे वो तो ठीक है, पर ये बोल क्या गया है हमको हिंदी में बताओ। जालिम, जल्लाद, कमीने इंसान, मैं तेरी हर चाल को नाकाम करके तुझे नेस्तो नाबूद करके रहूंगा। अरे टी ओ बोल गया है या तू मिलावट मार के बोल रहा है? नहीं नहीं, बात क्या है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक भाषा के आने में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो हो ही जाता है ना। डिफरेंस भले ही हो जाए, डिफरेंस, लेकिन फर्क नहीं आना चाहिए। फर्क नहीं, फर्क नहीं आना चाहिए। फर्क नहीं, मुर्गा कहां पतला। ओ जम्बू, ऊ राजेश से बोलो कि ऊ काली पहाड़ी पर जाकर राकेश को खत्म कर दो। क्यों खत्म कर दो? अरे बाप रे। भाई साहब, सुना है नागराज यही कहीं रहते हैं, बता सकते हैं कहाँ है वो? क्या शक्ल से तुम्हें मैं नागराज नहीं दिखता? तुम तो दांत निकले हुए सांप लगते हो। अबे आज तक इस राजेश से झगड़ा मोल लेकर कोई जिंदा नहीं बचा,
मैं तुझे सिर्फ ये बताने आया हूँ कि धरतीराज की बेटी ज्योति का पीछा छोड़ दे और वापसी का रास्ता पकड़ ले, वरना एक पीस में आया था 3 पीस में वापस भेज दूंगा। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम एक बिकाऊ इंसान हो और मैं सिर्फ प्यार पर भरोसा करने वाला इंसान हूँ। अगर तुम मेरे प्यार के बंधन को तोड़ने आए हो तो मैं भी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इससे पहले कि हम किसी मुसीबत में फंस जाएं, यहाँ से निकल चलिए, चलिए। कहाँ ससुर जी? यहाँ क्या करत रहे? कुछ नहीं दामाद जी, हम तो यूं ही नजारा देख रहे थे। धरतीराज, मैं तेरी हर चाल को अच्छी तरह पहचानता हूँ और एक बात कान खोलकर सुन ले, ज्योति से मुझे कोई जुदा नहीं कर सकता। और आज मैं कसम खाकर कहता हूँ कि ज्योति मेरी होकर रहेगी और एक दिन ऐसा आएगा जब तू मेरे पांव पर गिरकर मुझसे विनती करेगा कि मैं ज्योति को अपना लूं, समझा? अब चलिए। छोड़ो मामा, चित्तुल मारी नक्के तुले हेरी वेसी ना निनु चित्तु चेगलुनी मली इदु वंती मुष्टि मुझे नष्ट पुए शालु वैश वंटिनु मक्केलु वीर गोड़ता जागृता। जम्बू, ये कौन सी भाषा में गाली देकर चला गया? ये भी साउथ इंडियन भाषा है। कल तुम बोला था कि साउथ इंडियन भाषा है, इस वक्त भी बोल रहा है साउथ इंडियन भाषा है, मगर ये भाषा वो भाषा के जैसी नहीं। ये अलग है, साउथ इंडिया में बहुत सी भाषाएं होती है। कल तमिल बोला, आज तेलुगु बोल गया, वो हैदराबाद के श्री एंटी रामाराव है ना, ये उनकी भाषा है। अरे वो तो ठीक है, पर ये बोल क्या गया हिंदी में बताओ? बता दूं? हाँ। कुत्ते, कमीने, सुअर, बुढ़े, तेरा मुंह काला, तू मुझे रोक नहीं सकता। अरे मैं तेरी लड़की के साथ बगैर शादी किए हुए घर बसाऊंगा, उसको बच्चे दूंगा, उनको खिलौने। यू बोल गया है या तू नमक मिर्च मसाला लगा कर बोल रहा है? नहीं, मैं क्यों बोलूंगा, ये वही बोल गया है चित्तू मामा। हाँ, क्या है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक आते आते भाषा में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है ना। डिफरेंस भले ही हो जाए लेकिन फर्क नहीं आना चाहिए। फर्क नहीं आना चाहिए? नहीं, ये कौन हमारा बैठा क्या मना मैंने कहा बोल स्वामी। अरे मालपानी, हम जो कह रहे हैं पहले वो कान खोल कर सुनो। हमारी बेटी जहाज से आज ब्लैक तुम्हारे यहाँ आ रही है। हाँ, उसको रिसीव करने को गाड़ी भेज दूंगा एयरपोर्ट। अरे खाली गाड़ी भेजने से काम नहीं चलेगा। हेलो सुनो, हमारी बेटी के साथ एक लुच्चा लफंगा भी आ रहा है, वो कहा एयरपोर्ट पर ही खत्म कर दो। हाँ अच्छा ठीक है, कर दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। नाम क्या उस लौंडे का? अरे जी जी जी, उनका नाम अपनी जबान पे लाना अपनी जबान की तौहीन है। सुनो, उसके हाथ में एक लाल सूटकेस है, उसका लाल खून बहाकर उसी लाल सूटकेस में बंद करके उसको कहीं फिकवा देना, उसको जिंदा नहीं छोड़ना, समझे? अगर मेरी माँ ने तुम्हें इस तरह देख लिया तो सारी कहानी सुनानी पड़ेगी। राकेश, मुझे नहीं पता था कि मेरे पिताजी तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे। पहले मालूम होता तो मैं ही उनसे निपट लेती। अरे मैंने उनसे निपट कर उनको सबक सिखा दिया तो फिर तुम कहाँ सुबह आती? तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे बर्दाश्त करती? अरे मेरी होने वाली पत्नी, हर छोटी मोटी बात पर इस तरह आंसू नहीं बहाने चाहिए।
तो फिर तुम्हारी होने वाली पत्नी को कैसा होना चाहिए? मैं बताता हूँ, सुबह रंबा जैसी, दोपहर को मेंढका जैसी और रात को अप्सरा रति जैसी। रति जैसी? जवानी अजंत की शर्माए, ऐसी कोई मुझे रूपवती चाहिए। इया इया हो, इया इया हो। तेरे जैसा कोई महारथ चाहिए, तेरे जैसा कोई महारथ चाहिए। राजी ना हो घर की तो उठ ले जाए, ऐसा दरबार मुझे पति चाहिए। जो किन्नरी से गाए, अंग जिसका छुलू तो आग लग जाए। मैंने कसी नाचे जो किन्नरी से गाए, अंग जिसका छुलू तो आग लग जाए। जिसके लिए यारों में जंग छिड़ जाए, राजपूत वाली पत्तों बत्ती चाहिए। इया इया ओ, इया इया ओ। जितना कमाए मुझ पे लुटाए, साथ लेके जाए चाहिए। जवानी अजंत की शर्माए, ऐसी कोई मुझे रूपवती चाहिए। मोती झर जाए, कभी मुस्काए तो फूल बरसाए। आंख भर लाए तो मोती झर जाए, कभी मुस्काए तो फूल बरसाए। सोने में सुगंध जैसी महकी महकी आए, कोई मधुमती गुणवती चाहिए। इया इया ओ, इया इया ओ। जवानी में जवान, जहीन में जहीन, और दिल का हसीन प्रेम की कला में हो सबसे प्रवीण, प्यार की प्यास बन
शर्माए, ऐसी कोई मुझे रूपवती चाहिए। इया इया ओ, इया इया ओ। तेरे जैसा कोई महारथी चाहिए, राज ना हो घर के तो उठा ले जाए, ऐसा दरदार मुझे पति चाहिए। हेलो, मालपानी। हाँ मालपानी बोल रहा हूँ। खबर शुभ है या अशुभ? अरे मालपानी और अशुभ, आपकी बेटी यहाँ हिफाजत से पहुँच गई और उस लाल सूट के सवाले को हमने खत्म कर दिया। अरे जी हो मालपानी जी हो, तुमने तो मेरे सर से बड़ी मुसीबत दूर कर दी। मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। भाभी, ये सब तुम क्यों कर रही हो, क्या जरूरत है? अरे कमाल है, आज तुम्हारा जन्मदिन है। पता है तुम्हारे भैया ने जाने से पहले क्या कहा? कि तुम्हें सोने की दुल्हन की तरह सजा दूं। अगर सजावट में थोड़ा सा फर्क पड़ गया तो वो मेरी छाती काट डालेगा। दीदी दीदी, मैं ये काजल लाया हूँ, कहाँ पे लगाऊँ, इस गाल पे या उस गाल पे? अरे पगले, काजल जन्मदिन पर नहीं शादी के दिन लगाते हैं, ताकि किसी की नजर ना लगे। अब कहीं ना कहीं पर तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये उंगली काली रह जाएगी। अरे बबलू तो बहुत शैतान हो गया है। शांति, मैं बाहर जाकर देखती हूँ तेरे भैया तेरे जन्मदिन के लिए क्या तोहफा लाए। चल बबलू। Listen, within 3 days we are going to cancel your agreement. चब्बू, ये अंग्रेजी में क्या भकभक कर रहा है? वो ये कह रहा है कि आपने बस्ती खाली करवा के जमीन इनको देने का वादा किया था और उसके लिए 5 लाख रुपए पेश लिए थे। अब अगर 2 दिन के भीतर भीतर आपने बस्ती खाली करवा के जमीन इनको नहीं दी तो वो आपकी हरकतों का भंडा फोड़ करके सरकार को बता देंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। देखो अंग्रेजी, हम कल सुबह तक ये बस्ती खाली करवा देंगे, आप बाकी का 20 लाख रुपए लेकर आ जाओ। इनको समझा दो, ब्रिंग 20 लाख टुमारो, टेक द लैंड नाउ, गो गो, गुड बाय। ओके, गुड बाय, बाय बाय। चंबू जी, अरे भाषा जाने बगैर मैं इतना धंधा भी नहीं कर सकता। अरे फिर ये सुसरे अंग्रेज बिना भाषा जाने इतने बरस फारस पर कैसे राज कर गए? अंग्रेजों की बात छोड़िए साहब, कल बस्ती कैसे खाली कराएंगे? अरे वो तो बड़ी सादा बात है।
ऐसा ना ही हो सकता। तुम एक काम करो, ऊ जो राजेश है ना, ऊ की लाडली बहन को उठाकर यहीं ले आओ। शांति की जिंदगी एक ही दिन में चलकर राख हो गई है। धरती राज ने शांति की चाल लेकर पता तुमसे लिया है। दुल्हन बनेगी, डोली चढ़ेगी अपनी बहना प्यारी। जल्दी चल, जहाज का वक्त हो गया, कहीं वो राजेश ना आ जाए। आप फिक्र मत कीजिए, मैंने सब इंतजाम कर लिया। चलिए राजेश। अरे आओ, अरे उसको पकड़ो। अरे धरतीराज, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, लेकिन हम तो मारोगे कैसे? थोड़ी देर के बाद तो हम हिंदुस्तान से बाहर चले जाएंगे। धरतीराज, मैं तुझे तो क्या तेरे लाश को भी हाथ निकालने दूंगा। मैं तुझे कुत्ते की मौत मारकर रहूंगा। अरे तुम लोग कान खोल कर सुन लो, जिस समय हमारा हवाई जहाज आकाश में उड़ रहा हो, उसी समय इसकी लाश के टुकड़े हवा में उड़ने चाहिए। जम्बू लपक लो, लपक लो भगवान। भगवान।
बिना डर कर भाग गया है। मगर वो बदमाश ये नहीं जानता कि विदेशों की दुनिया, सात समंदर का पानी तुम्हारे बदला लेने में कोई रुकावट नहीं डाल सकता। तुम उसका पीछा करो, मैं तुम्हारी हर मदद में हिस्सा लेने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पहुँच कर अब शांति मिली है। भारत में जो अपना दुश्मन है ना, वो तो यहाँ आ नहीं सकता है? और यहाँ जो अपना दुश्मन है उसका माल पानी ने दिखाने लगा दिया होगा। अरे बिल्कुल सर, उधर देखिए, उधर। हाय ससुर जी, इस फ्लाइट से मेरा एक दोस्त आ रहा था, उसे लेने आया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे रिश्तेदार भी आ रहे। का बकत को, हम तो हर रिश्तेदार हैं का। बिल्कुल, मैं आपकी बेटी का होने वाला पति हूँ, यानी आपका दामाद हूँ, और दामाद से प्यारा रिश्तेदार दुनिया में होता ही कोई नहीं। मगर तुम जिंदा कैसे हो? अरे जिंदगी लेना देना तो ऊपर वाले के हाथ में है। आपके हाथ में सिर्फ ये काम है कि अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देकर अपने हाथों से कन्यादान करो। खामोश। अरे कन्यादान करूंगा या क्रियाकर्म करूंगा, ईटू का तनक जल्दी मालूम हो जाए। अरे क्या मालूम पड़ जाएगा पिलपिले कद्दू, करना करके दिखाना तो हम जैसे मर्दों का काम है, समझा बड़ाऊ? ये नड़पण दे तन्ने नी उन्नो चैना कनका पण दो पोड़ा टिंडी दाई न माने। जंबू, ये कौन सी जबान में जबान हिला कर गया? ये भी साउथ इंडियन भाषा है। ना ना इंद्र सेवा भगवान, मलयालम में मैं क्या करूं? अरे पर वो जो बोला ऊ का मतलब का, हराम खोर कुत्ते कमीने तीनों एक साथ। जी वो बोला कि तू गाली दे रहा है मिलावट करके। नहीं नहीं सर जी, साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया तक आते आते भाषा में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है। हाँ, डिफरेंस भले ही हो जाए, हाँ, लेकिन फर्क नहीं होना चाहिए। नहीं, फर्क नहीं। नाला हिंद सेवा भगवान है, निकम्मे बेवकूफ। अरे तुम लोगों को क्या करने को बोला था और तुम लोगों ने क्या किया? जो आपने कहा वही हमने किया ना, आपने कहा लाल सूट के वाले को मार, तो हमने मार दिया। झूठ बोला तो किसको मारा, ऊ साला तो जिंदा है। अब कल ये कमबख्त जंबू लाल सूट केस उठाकर आए तो काही का मार डालोगे तुम? नहीं नहीं नहीं, जब तक आप दोनों जिंदा हैं, लाल सूटकेस को उठाना तो एक तरफ, मैं उसकी तरफ देखूंगा तक नहीं मिलावट मार के। तुम एक मामूली क्लब में गाने वाले को ठिकाने ना ही लगा सके तो कौन जाने के हमारी करोड़ों की जायदाद का क्या असर कर रहे हो। ऐसा तो नहीं, हम कल अपनी आंख से देखा चाहता है कि हमारा माल ठीक ठिकाने पर लगा या नहीं। देखा ये खुसट राकेश से कितनी नफरत करता है। अब मैं कल से धरतीराज को यह बहला के रखूंगा कि मैं उसके करोड़ों की जायदाद को ठिकाने पे लगाया हुआ हूं, और तू ज्योति के करीब जाने की कोशिश कर, उसके दिल में घुसने की कोशिश कर, ताकि वो खुद अपने बाप से कहे कि मैं अगर शादी करना चाहती हूं तो माल पानी के बेटे से, वरना पानी में डूब के जान दे दूंगी। क्या करके जान दे दूंगी? पानी में डूब के जान दे दूंगी। जा ज्योति। मैं राकेश का इंतजार कर रही थी, ये मनहूस कॉल से आ गया। ज्योति माफ करना, छोटा पैसा नहीं है। मैं हूँ, मैं ज्योति। कहा ना, माफ करो। ज्योति मैं हूँ तिजोरी। तिजोरी, मैंने सोचा था कोई भिखारी आ गया है। वैसे तुमने ठीक सोचा था, ये तिजोरी एक भिखारी है जो पुजारी बनकर प्रेम के भीख मांग रहा है। देखो भिखारी मेरा मतलब पुजारी, और तिजोरी मेरा अभी प्रेम करने का मूड नहीं है। वाह ज्योति, मैं तुम्हें किस तरह से खुश करूं? आई तिजोरी, मेरी कुछ चीज खो गई है। दिल? नहीं, मेरी अंगूठी। ये तो दिल से भी महंगी चीज है। और यही कहीं गिरी हुई है, अगर तुम मुझे खोज कर दे दोगे ना तो मैं तुम्हें दूंगी। अंगूठी 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 अंगूठी। किधर है? अरे फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, आई हैव लॉस्ट अ रिंग, मेरी अंगूठी खो गई है। इफ यू फाइंड इट, अगर तुम लोग ढूंढोगे, आई विल गिव यू चॉकलेट्स आइसक्रीम टू ईट। We'll be right back.
बाल मछले हैं, दिल ये पिछले हैं, चेहरा तेरा इतना चिकना। पल पल मछले हैं, दिल ये पिछले हैं, चेहरा तेरा इतना चिकना। दोस्तों, मुझे लगता है कि मेरी ज्योति ने मुझे धोखा दिया है, इसलिए मैं भी मजबूरन आप लोगों को धोखा देता हूँ। मेरे पास चॉकलेट नहीं है, आइसक्रीम भी नहीं है। आइए, वो सामने जजीरा है ना, वो आपका है। मुझे विश्वास है उसमें कोयले के कान निकलने वाले हो, जब कान निकलेगी तो आपकी भी निकल आएगी, फिर तो आप सारे हिंदुस्तान को खरीद सकते हैं। अच्छा, और वो देखिए, वो जो सामने 25 एकड़ जमीन है ना, वो भी आपकी है, उसकी सालाना आमदनी $5,00,000 है। का कहा 25? उस दिन तो बोल रहा था 30 और आज कहा था 25, बाकी के 5 किधर गए? वो क्या है कि ये विक्टोरिया फॉल का पानी बहुत तेजी से गिरता है ना, तो 5 एकड़ जमीन उसमें बह गई, इसलिए 25 बची है। फ्लेमिंगो, गेंडा, काला बंदर, हाथी, वो दूर देखिए हरे भरे मैदानों में हमारे हिंदुस्तानी फिल्मों की तरह आशिक और माशूक एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं मिलावट मार के। दर्दी राज जी, इनको देखकर मेरे मन के पानी में ख्याल का उबाल आया, कहिए तो पेश करूं। कहो कहो कहो। अगर आपकी बेटी और मेरे बेटे की शादी हो जाए तो वो भी ऐसी घूमेंगे और आप नाना बन जाएंगे और मैं दादा बन जाऊंगा। क्या बकवास करते हो, उतर जाओ यहीं, उतर जाओ, जाओ जाओ नदी में, साफ कहते हैं। अरे कश्ती किनारे पर लगाओ, लगा दो। देखो माल पानी, तुम अपनी हैसियत भूल गए का? तुम एक मामूली नौकर, हम मालिक, तुम हमरे संबंधी बनने का सपना देखत हो, और हमरी गुलामी करने वाला तुम्हारा वो नालायक बेटा वो हमारा दामाद बनेगा। अरे तुम बाप बेटा दोनों की कीमत एक तरफ और हमरी बिटिया की जूती की कीमत एक तरफ, समझे? खबरदार जो फिर ऐसी बात मुंह से निकाली तो। मुझे लड़की भाग रही है, वो तो आपकी बेटी ज्योति है, और उसके पीछे जो लड़का भाग रहा है वो लफंगा राकेश है। अरे मालपानी, हम ई राकेश के बच्चे को तोपा खत्म करने के लिए बोला था। देखो हमारी बिटिया हमारी जान है, हमारी जिंदगी है, हम नहीं चाहते कि हमारी बिटिया दो कौड़ी के लौंडे के साथ घूमे। खैर कोनो बात नहीं, अगर तुम ऊका ठिकाने नहीं लगा सके तो हम खुद ऊका सबक सिखा देंगे कि नीच और गरीब आदमियों को तनक अमीरों से दूर रहना चाहिए। यही सबक तो मैं तुम्हें सिखाने यहाँ आया हूँ धरती राज। देखो ज्योति, हम तुमका यहाँ परदेश में पढ़ाया लिखाया, अरे तुम्हार हर इच्छा को पूरा किया, वो इसलिए नहीं कि तुम अपने बाप की हैसियत और ऊ की शान और शौकत भुलाकर एक मामूली गरीब दो कौड़ी के लड़के से प्यार करना शुरू कर दो। डैडी प्यार करने वाले दिल देखते हैं, ये हैसियत शान और शौकत कुछ नहीं देखते। अरे पर हम तो देखत हैं। देखो ज्योति, हम जिंदगी में दो ही चीजों से प्यार किया, एक तो तुमका और दूसरे दौलत का। अरे जैसे जिंदगी में हम दौलत कमाने से नहीं हारे, वैसे ही हम तुम्हार जिंदगी सुधारने से भी नहीं हारेंगे। तो इसका मतलब है आपकी नजरों में मेरे दिल, मेरे जज्बात, मेरे प्यार की कोई कीमत नहीं? अरे बिल्कुल नहीं। ठीक है डैडी, याद रखिए कि मैं भी आप ही का खून हूँ। जिस तरह आप हार मानने के लिए तैयार नहीं, उसी तरह मैं भी तैयार नहीं। अगर मैं राकेश की पत्नी नहीं बन सकी तो मैं यूं ही जिंदगी भर कंवारी रहूंगी, और आप मुझे श्रीमती के रूप में कभी नहीं देख सकेंगे। ज्योति, अब जम्बू के बच्चे जी। हाँ। कोई फायदा नहीं। हाँ। हम तेरे को एक और तरकीब बताते हैं। बोलिए।
ऐ तू किसी तरह जाकर मालपानी को पटा ले। ऊ का बोल कि अगर वो राकेश का सफाया कर दे तो उनके बदले में हम ज्योति की शादी उनके बेटे के साथ करने को तैयार हैं। क्या बात कर रहे हैं सर जी, उस दिन जब मालपानी ने तिजोरी की शादी की बात आपसे की तो आपने उसको चलती नाव में से कूद जाने को कहा, मैंने उसको नदी में डूबो। ई चाल है, ई सियासत है। अगर मालपानी राकेश को मारने में कामयाब हो गया तो हम बाप बेटा दोनों को पुलिस के हवाले कर देंगे। इसे कहते हैं एक तीर से दूई शिकार। मैं समझ गया सर जी, समझ गया। इस तरह धीरे धीरे जब यहाँ के सारे हिंदुस्तानियों को आप मार डालेंगे या उनको जेल भिजवा देंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्रह्मचारी हिंदुस्तानी बचेगा और वो होगा नाचीज मैं। अबे की औलाद, इधर आ, इधर आ। बोला था। अबे जूते मार मार के तेरी शकल जूते की तरह कर देंगे। नहीं, नहीं। अगर दोबारा ज्योति से शादी की बात की ना तो फिर देख लेना कि एक तीर से दुई नहीं तीन शिकार होंगे। नहीं मैं ज्योति से क्या, ज्योति के बाप से शादी करूंगा, मेरे मतलब चील कहूं से कर लूंगा, मगर ज्योति से नहीं। अभी जो मैंने बोला ना पहले जाकर वही काम कर। अरे जियो बेटा, क्या किस्मत पाई है। गुड लक, गुड लक, क्या किस्मत पाई है। जैसे ये काम हुआ मिलावट मार के आप दोनों ऊपर पहुंच जाएंगे। वो ऊपर नहीं, बाजू वाला ऊपर। बाजू वाला कौन सा ऊपर? बाजू वाला नहीं समझे। अरे भाई जैसे उसका काम तमाम करोगे ना तो आप दोनों का भी काम खत्म। क्या मतलब? फादर है। क्या है? वो तो सब ठीक है लेकिन मेरी शादी कब होगी? तू एक काम कर, जाके दूल्हे का ड्रेस पहले से दे दे। तो तुम्हें काम नहीं, शंभुदास। सुन, राधा वही धरतीराज की बेटी है, जाकर किसी तरह बातों में फुसला कर उसे यहां ले आओ। सॉरी, मैंने आपको नहीं पहचाना। मेरा नाम राधा है। लेकिन आप मुझे कैसे जानती हैं? अमीर घराने में पैदा होने की यही तो खूबी है कि आप किसी को न जाने मगर हर कोई आपको जानता है। इस अफ्रीका में इंसान तो एक तरफ, आपको हर पेड़ का एक एक पत्ता तक जानता है कि आप करोड़पति धरतीराज की इकलौती बेटी ज्योति है। पैसा इंसान को भले बहुत मशहूर कर देता है लेकिन हकीकत तो यह है कि उसे सुख से बहुत दूर कर देता है। हाँ, हर अमीर अपनी दौलत छुपाने के लिए इन्हीं शब्दों की चादर का इस्तेमाल करता है मगर मैं नहीं। चलो मैं तुम्हें अपनी सारी दौलत दे देती हूँ और उसके बदले तुम मेरा सारा दुख लेकर अपने हिस्से का थोड़ा सा सुख मेरी झोली में डाल दो। सकती हो? अरे आपकी आंखों में आंसू, अब आपने देख लिया मेरा सुख। दौलत का चश्मा उतारा तो उसके पीछे आपको असलियत नजर आ गई ना। मगर इन आंसुओं का कारण पैसा, सिर्फ पैसा। इस पैसे ने मेरे डैडी को, जो मुझसे बेहद प्यार करते थे, एक इंसान से राक्षस बना दिया। जिस राकेश से मैं प्यार करती हूँ मुझे उससे अलग कर दिया। लेकिन मैं राकेश के बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। बस ज्योति, मुझे तुम्हारी असलियत का पता चल गया है। भगवान ने दौलत इंसानों में चाहे बराबर ना बांटी हो मगर आंसू अमीर और गरीब दोनों में बराबर बांट देता है। एक महात्मा का कहना है कि इंसान पैर दिखोए बगैर समुद्र से सूखा गुजर जाता है मगर आंसुओं के बगैर जिंदगी का सफर नहीं गुजार सकता है। धीरज रखो, तुम्हारे प्रेम की जीत होगी, तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। ज्योति जाओ। अरे ए ज्योति, क्या हुआ? हाँ, अरे चल चल। ये तुमने क्या किया? ज्योति की प्रेम कहानी सुनने के बाद मुझे उसे धोखा देने की हिम्मत नहीं रही। मैं ये सोच कर पीछे हट गई कि दो प्रेमियों को अलग करने से हमारे प्रेम को कहीं शराब न लग जाए। देखो, मैं तुम्हारी ये दकियानूसी बातें सुनने यहाँ नहीं आया। मैं तुम्हें ये सोचकर अपने साथ लाया था कि तुम ऐसे मौके में मेरा सहारा बनोगी, मेरा साथ दोगी। लेकिन तुम धरतीराज का बदला
उसके मासूम बेटी ज्योति से लेकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। देखो राधा, इस दुनिया में मेरा सिर्फ एक ही दुश्मन है और वो है धरती राज, और मेरा एक साथी है और वो हो तुम। मुझे इस तरह की सलाह देकर ये सोचने में मजबूर मत करो राधा कि इस दुनिया में मेरा एक नहीं बल्कि दो दो दुश्मन है। फिक्र क्यों करती हो ज्योति, अमीरी गरीबी की रुकावटें हमें जुदा नहीं कर सकती। मुझ में ये दीवार तोड़ने की शक्ति है, हमारी शादी हर हाल में होके रहेगी। शाबाश बच्चा, हम इस ज़ू में इसलिए आया है कि जानवर बनकर तुम्हारा शिकार करेगा। मुझे मारेगा? पिछली बार तेरी जिंदगी बख्श दी थी और अब ये आदमी इसलिए लेकर आए कि तेरी लाश को उठाकर शमशान ले जाए। मैं तो दुल्हे के लिबास में तैयार हूँ, अगर राकेश की अगर राकेश की छुट्टी हो जाए तो ये सारी मैं ज्योति को पहना कर उसे शादी करूंगा, फिर मामा जी के पास चलेगा ना बात। तो ये सब तुम्हारी चाल थी? नहीं नहीं, हमारी नहीं, वो मैं क्या नाम उसका, धरतीराज, उसने जैसा बोला हमने वैसे किया। अब जो मैं कहता हूँ वो तुम्हें हुकुम करो, ये साड़ी पहनकर धरतीराज के पास जाओ और जो कुछ जाओ वो उसे बताओ। साड़ी नहीं, साड़ी कौन कौन पहनेगा? ये साड़ी नहीं पहनोगी तो मैं तुम्हें यही, ये साड़ी पहन ले तो अच्छा दिखे करे। नहीं फादर है, ये साड़ी आप पहनो, इसी बहाने आपको मुझे मदर कह रहे हैं। अरे बना रहे? मदर मेरी माँ। राकेश, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम बहुत बहादुर और जवान मर्द हो। अरे आगे आगे देखिए होता है क्या। तुम्हारी जीत पर मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। जो मुझे चाहिए वो दोगी या जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं अपने आप ले लूँ? मैं तुम्हें वो तोहफा दूंगी जो हम दोनों की पसंद का हो। क्या? तन पर कसी कसी रहती है तू मन में बसी बसी, जाए ना सर तेरी बातों का उतरे न जहर तेरी आंखों का, जाए ना सर तेरी बातों का उतरे न जहर तेरी आंखों का। जिंदगी टसी 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 तेरे मन
तन पर कसी कसी ऐसी है तू जवान कम की तू कमान कहना क्या तेरा तन पर कसी कसी रहती है तू मन में बसी बसी राकेश की आत्मा तो अब तक नरक में पहुंच चुकी होगी अपने लिए तो दिवाली ही दिवाली है उधर देखो इधर अरे उधर आए
ये कौन है? ये लगता है तिजोरी राम, आपकी बेटी ज्योति से शादी करके चला रहा है। अरे हराम पानी, माल पानी की औलाद, अरे तुम्हारी हिम्मत के जो तू हमारे बिटिया के साथ शादी कर ली। आई मामा जी, ये आपकी बिटिया नहीं है। अरे फिर कौनों की बिटिया है? आई आप ही उठा लो ना घूंघट। आई घूंघट। अरे ये क्या, अरे तुम दोनों ने क्या किया? बाप बेटा ने आपस में शादी कर ली। कैसी बात करते हैं आप, हमारी इज्जत कैसे लूटी हमें बताते हुए शर्म आ रही है। अरे चिंता मत करो बहन जी। बहन जी मेरा मतलब जो भी है आप चिंता मत कीजिए, अगर आपको कोई गंदी बात बताते हुए शर्म आ रही है, शराफत की लेवल से बहुत गई पीती है, तो किसी भाषा में बोल दो, मैं उसका हिंदी में रूपांतर करके साहब के सामने पेश कर दूंगा। खामोश। तो बात यह है कि बात तो हर शकल देख कर हमको मालूम हो गई, उस दिन राकेश की बजाय वो लाल सूटकेस वाले को मारा है। मैं नहीं ये, और आज ये दुल्हन का लिबास पहनकर हमको फिर सा बेवकूफ बनाने आए हो। जा जाओ, हमारी नजरों से दूर हो जाओ। धरती राज, जाओ जाओ। मामा जी, पानी और माल पानी के बेटे, चलो चलो। नालायक गधे कहीं के, काम के ना काज के। जम्बू जी, जो आदमी लाठी से ना मरे ना ऊका पैसे की लाठी से मारना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि हम आज ही राकेश के पास जाएंगे और उसके प्रेम के पौधे को पैसे के जोर से उखाड़ कर अपने आंगन में वापस लगा लेंगे। हम तो कभी सपने में भी नहीं सोचा रहा कि वो जमाने में इतनी ऊंची ऊंची बातें करने वाली सीता देवी आज नौकरानी बनकर काम कर रही है। क्या करूं धरतीराज, ये सब किस्मत का खेल है। अब हम समझ गए कि ये गरीबी की ठोकरों ने तेरी अक्ल ठिकाने पर लगा दी है। अरे तू जा, जाकर अपने मालिक को बोल के हम ऊका मिलने आए हैं। अरे खड़े खड़े मुंह का देखा था, जाना। अभी बुलाती हूँ मालिक को। हाँ बुला। अरे ससुर जी, आप क्या बात है, आज ये खारा बदबूदार समुंदर खुद चलकर प्यासे को मिलने आया है, सब खैरियत तो है? हम तो ये कहने आए हैं कि तुम अपनी औकात पर न चल जाओ और हमारी औकात को देखो, हमरे इस बड़ेपन को देखो। जब ये बक्सा हम खरीदा रहा उस वक्त ई की कीमत 500 रुपए थी, अब 5,500,000। तुम ये बक्सा और बक्से के रुपए दोनों ले लो और 2.5 अक्षर प्रेम के जो तुहार दिल में समाए हैं उनका भूल जाओ। धरतीराज जी, मुझे सिर्फ प्रेम करना आता है, उसका सौदा नहीं। धरतीराज से सौदे की बात मैं करूंगी बेटा। बेटा क्योंकि इसके साथ बहुत पुराना हिसाब चुकाना अभी बाकी है। सीता, सीता देवी तुम इसकी माँ हो? हाँ मैं इसकी माँ हूँ, और ये मेरा वही बेटा है जिसके बारे में तुमने कहा था। गाता बहुत अच्छा है, बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन पर गवाती फिरना, दो वक्त की रोटी मिल जाएगी। आज ये दुनिया का बहुत मशहूर गायक है। याद है जब मेरी गरीबी के दिनों में तुमने मुझे दान भिजवाया था और मैंने उसे तुम्हारे मुंह पर वापस मार दिया था? उसी माँ की कोख से जन्म लेने वाले बेटे के बारे में तुमने कैसे सोच लिया कि पैसे से तुम उसे खरीद सकते हो? इससे पहले कि अपनी माँ की तरह बेटा भी पैसे तुम्हारे मुंह पर मारे, निकल जाओ यहाँ से। ऐसा ही तुमका मालूम नहीं कि पैसे में का जादू होत है? तुमका ऐसा जादू दिखाई कि याददाश्त तो आ बैठी। मगर ठहरे धरतीराज, फिलहाल तो आप अपनी याददाश्त गवा बैठे हैं, आप अपना बड़ापन छोड़कर जा रहे हैं, ले जाइए इसे। अरे हम तुम दोनों का देख ले। देखा बेटा, ये दुनिया कैसे कैसे रंग दिखाती है। बेटी एक देवी है और उसको जन्म देने वाला एक नीच और शैतान। मैं इसकी असलियत अच्छी तरह जानती हूँ, ये क्या था और आज जो कुछ है ये कैसे था। ये आप क्या कह रहे हैं डैडी? हम ठीक कह रहे हैं बिटिया, तू हमारी इकलौती औलाद है, अरे हमारी जान है, तेरी खुशी की खातिर तो हम राजी हो गए और राकेश के घर गए, और वहां जाते ही हमारे पैरों तले जमीन निकल गई, हमारा दिल खून के आंसू रोया। अब तू ही बता बिटिया, जो खानदान हमारे खानदान का दुश्मन हो और जैके कारण तेरी माँ मर गई हो, अब उसके घर में हम तेरे को बहू बनाकर कैसे भेजे? अरे हम उनको अपना सब भी कैसे मान ले? तू ही बोल बिटिया, बोल बोल। मैं जानती हूँ डैडी, आपको मेरी कितनी चिंता है, आपने अपना फर्ज पूरा किया, अब बेटी के नाते मैं अपना फर्ज पूरा करती हूँ।
देखा झूठी कहानी में आंसुओं का मिलावट मारकर सुनाया तो कैसे सच मान गई। हाँ, इसे कहते हैं शराफत से धोखा देना। वो तो है धरतीराज, धोखा तुम्हारे खून के रंग में मिला हुआ है। जो इंसान अपने भाई जैसे दोस्त को धोखा दे सकता है, वो अगर अपनी बेटी को धोखा दे तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन नाटकबाज, ये तुम्हारा आखिरी नाटक था और आगे नहीं खेल पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे सारे नाटकों पे पर्दा गिराने आया हूँ। अरे तू का पर्दा गिराएगा, हमरे चारों तरफ दौलत के लोहे की दीवार है। अरे तुम हमरा कछु नहीं बिगाड़ सकत। मैं तुम्हें तुम्हारी लोहे की दीवार में चुनवा दूंगा। अभी जो तुमने नकली आंसू बहाए थे ना, मैं उन्हें असली आंसू में बदल दूंगा। तुमने मुझसे मेरे पिता का साया छीना था, मैं तुमसे तुम्हारी बेटी छीन लूंगा। इससे पहले हम तुम्हारी जिंदगी छीन ली। अच्छा, गोली मारोगे? अब बेशक मारो, लेकिन इस खिलौने की लुबलुबी दबाने से पहले सोच लो कि मेरे मरते ही आपकी बेटी के माथे की बिंदिया टूटकर गिर पड़ेगी, उसका नाम विधवाओं की लिस्ट में आ जाएगा। अरे का बकत हो, तुहार मरने से हमार बिटिया कैसे विधवा हो जाएगी? वो इसलिए ससुर जी कि हम दोनों ने शादी कर ली है। हाँ, और आपके नाना बनने के चांसेस भी बहुत ब्राइट है। अरे बकत हो, तुम नाटक करत हो। हाँ, नाटक ही तो है, मैं सिर्फ गायक ही नहीं नाटक भी करता हूँ, नाचता भी हूँ, नचाता भी हूँ। अब देखना मैं तुम्हें इस धोती में कैसे नचाता हूँ। जोड़ो निन्नु नानु उंदु आट अरसने, निन्नु हुड़की गागी, निन्नु खोगी खोगी सुत्ती होग बेकु, उच्चे नमक रहे। जंबू, हाँ जी जंबू। हाँ, ई कौन सी जबान में जबान हिला गया है? मैं नहीं बोल सकता साहब, नहीं बोलेगा तो मैं जान से मार दूंगा। ये भी साउथ इंडियन भाषा थी? गधे की औलाद, जब भी पूछो साउथ इंडियन भाषा कहते हैं। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं सच कह रहा हूँ, ये कन्नड़ है। बेंगलोर में वो राजकुमार साहब है ना, वो बहुत बड़ा हीरो जिसको लोग भगवान मानते हैं, वो बोलते हैं। अरे ये तो ठीक है, पर ये सूत्रा क्या बोल गया है? कमीना, जलील, रास्ते का सड़ा हुआ गोबर, खाने की जगह उबले हुए जूते और चप्पल मिले। खामोश, ये वो बोल गया है या तू मिलावट मार के बोल रहा है? मिलावट मार के नहीं साहब, बात ये है कि साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया तक भाषा को पहुंचने में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस हो जाता है ना। डिफरेंस तो ठीक है, लेकिन फर्क नहीं होना चाहिए। फर्क नहीं, फर्क नहीं, नानक क्षमा भाड़े। क्या है रे? मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? हमारा एग्रीमेंट इस बात की इजाजत नहीं देता। झन्नू में क्या एग्रीमेंट? अब मैं तुमसे जो सवाल पूछूंगा तुम्हें जवाब देना ही पड़ेगा। पूछो। बताओ, अफ्रीका में सबसे ज्यादा क्या चीज होती है? जानवर। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा क्या चीज होती है? मजहब आबादी हड़ताल। अमेरिका में सबसे ज्यादा क्या चीज होती है? तलाक। तुम्हारी खोपड़ी में सबसे ज्यादा क्या है? अकल का मौजे मारता हुआ समंदर। बिल्कुल नहीं, तुम्हारी खोपड़ी में भूसा भरा हुआ है। नहीं, उस धरती राज ने तुम्हें बेवकूफ और मुझे नलायक कहा, इससे साफ जाहिर है मेरी और ज्योति की शादी नहीं हो सकती। अरे कैसे नहीं हो सकती, मेरा सिर्फ नाम माल पानी है, असल में मैं आग हूँ। आग जो पानी में नहाती है मगर बुझने नहीं पाती है। और कुछ कर नहीं पाती, इसलिए फादर है मैंने फैसला किया कि ज्योति को लेकर भाग जाऊं। फादर है, इस सिलसिले में मैं भी एक मिसाल फेंकूं? तू फेंकेगा? आई फेंक। जब मंजिल तक सीधे रास्ते नहीं पहुंच सकते तो टेढ़ा रास्ता पकड़ लेना चाहिए। अरे वाह, अच्छा है, अच्छी मिसाल है, अच्छा है ना। सलाम मारो। गुड, वेरी गुड। मुझे भी तो अपना दोस्त समझो। दोस्त तुम्हारा नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर जो बदले की भावना है उसका। क्या मतलब? मतलब कि तुम्हें धरती राज की बेटी चाहिए और हमें धरती राज की जिंदगी। मगर हमारे दिमाग के पानी में यकीन की लहरें कैसी आएंगी कि तुम धरती राज के दुश्मन हो? देखो, हम दोनों एक ही शिकार के शिकारी हैं, और शिकारी खुद ब खुद एक दूसरे को पहचान जाता है। यकीन दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। बात में तो मालपानी है। तो सुनो मिस्टर मालपानी, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ कि तुम्हारा बेटा धरती राज की बेटी के साथ कैसे शादी कर सकता है। हाँ, लेकिन उसके बदले में मुझे तुम्हारे कुछ आदमियों की मदद चाहिए। अच्छा, तो चलो अंदर चल के बात करते हैं। निराश मत हो ज्योति, मैं जानती हूँ तुम्हारे पिताजी इंसानों से ज्यादा पशुओं की इज्जत करते हैं, लेकिन किसी भी हालत में राकेश तुमसे ही शादी करेगा। काश आज मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे ये तकलीफें नहीं उठानी पड़ती। तुम्हारी माँ की कमी पूरी करने के लिए मैं जो हूँ। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेके आती हूँ। Thank you.
माँ क्या बात है माँ? बेटा ज्योति अपने बाप के साथ झगड़ा करके यहाँ आई थी, मैं उसके लिए अंदर कॉफी लेने गई और वापस आई तो गायब। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। फादर है। क्या है रे? मर गए रे। क्या करे? वो साला राकेश मामा जी को धमकी देके गया था, मुझे डरा जो धमकी देके गया था वो करके रहेगा। अरे नहीं रे, वो कुछ नहीं कर सकता, भोंकने वाले कुत्ते काटा नहीं करते। आए लेकिन फादर है, ये वो कुत्ता है जो भोंकता भी और काटता भी है। याद है परसों आपको साड़ी बनाकर उसने दुल्हनिया बना दिया था। वही बात क्यों दोहराता है? सिर्फ ये बताने के लिए कि वो इस बार ज्योति को भगा के रहेगा। ज्योति को भगा के वो क्या करेगा? बदला तो उसको धरती राज से लेना है, वो धरती राज को खत्म करके रहेगा। आई मैं शर्त लगाता हूँ कि इस बार ज्योति को भगा के रहेगा। मैं भी शर्त लगाता हूँ कि वो धरतीराज को खत्म करके रहेगा। आई वो ज्योति को भगा के रहेगा। वो धरतीराज को खत्म करके रहेगा। ज्योति को भगा के। अरे खामोश। अरे जान सुथरी हमारी जा रही है और शर्त ही बाप बेटा लगा रहे हैं। देखो मालपानी, अगर असलियत का पता चल गवा ना तो मरने वाले हम ना ही तुम हो, समझे? जानत हो कोई कौन है? कौन है? अरे बरसों पहले जॉन पांडे को तुम खत्म किया था ना, यूवी का बेटा है। हाँ, उस वक्त जल्दबाजी में जॉन तुम उल्टा सीधा काम किया ना, वो आके हमरे गले में पड़ गया। अब तोहरे बजाय वो राकेश हमरी जान का दुश्मन हुई गवाह है। हेलो लुच्चा, सर आपका फोन। हाँ धरती राज। बदमाश कुत्ते हराम ज़ादे। कौन है? कौन है? मैं तेरी खुशियों को बर्बाद करने आ गया हूँ। मैं तेरी बेटी को तुझसे छीन कर जिंदगी भर तुझे जुदाई की आग में चलाऊंगा। ज्योति मेरी बेटी? नहीं नहीं। होशियार। राकेश का फोन था? हाँ, वो हमका धमका रहा है, हमार बिटिया ज्योति वो का कब्जा में है। अरे तो फिर सोच क्या रहे हो, इससे पहले कि वो ज्योति के साथ कुछ उल्टा सीधा करे पुलिस में फोन करके गिरफ्तार करो। तो फोन करो। फादर है। क्या है रे? इसका मतलब मेरी ज्योति के साथ शादी हो गई। चपड़गंजू अभी कहा, पहले राकेश को गिरफ्तार होना चाहिए, उसके बाद इस फांदेबाज धरतीराज को, हम फांदेबाजों पे विश्वास होना चाहिए, तब जाके ज्योति तेरी बीवी बनेगी। क्या ज्योति नहीं मिली? बाप से लड़कर आई थी, गुस्से में कहीं कुछ करना बैठे। तुम्हारा मतलब खुदकुशी वगैरह? नहीं माँ, वो बुजदिल लड़की ने हालात से लड़ना जानती है, ये कदम वो कभी नहीं उठा सकती। इंस्पेक्टर बोला राकेश, गिरफ्तार कर लो उसे। आई आई व्हाट्स द मैटर इंस्पेक्टर? वेल मिस्टर, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन किस जुर्म में? आई क्या भोलेपन की एक्टिंग कर रहा है मेरे प्यार के दुश्मन? धरती राज ने कंप्लेन लिखवाई है कि तुमने उसकी बेटी ज्योति को अगवा किया है। ये सब झूठ है। I have come to arrest you. Anything you want to say, come to police station. देखिए, आप लोगों को गलत फहमी हुई है, मेरा बेटा निर्दोष है। ज्योति यहाँ आई थी, फिर ना जाने कहाँ चली गई। मेरा बेटा खुद उसे ढूंढने गया था, वो तो अभी अभी आया है। आप ही इन्हें समझाइए ना। अरे इसे समझाने की क्या बात है, इसे छुड़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है, पुलिस स्टेशन आओ, 2 लाख रुपए जमा कराओ और उसे छुड़ा कर ले जाओ। क्या बच्चा? बिल्कुल सच्चा, और साथ में हमारे जैसे इंफ्लुएंशियल और वसीले वाले लोगों की मदद हो तो और भी अच्छा है। क्यों बच्चा? अरे न मेरे पास इतना पैसा है न वसीला, मेरे पास तो सिर्फ ममता भरा एक माँ का दिल है। माँ तुम भी किनसे मदद मांग रही हो? ये लोग क्या कर सकते हैं, ये तो कठपुतलियां हैं, इनको नचाने वाला कोई दूसरा है। धरती राज, याद है उसने उस दिन क्या कहा था कि पैसे में जादू है, और उसी जादू की वजह से उसने मेरे हाथों में हथकड़ियां पहना दी। इसमें थोड़ा आइडिया मेरे फादर का भी है, देखा कैसे शकुनी वाली चाल चल के उसने तुम्हारे हाथ बांध दिए। शकुनी जुआ खेल कर जीता था, लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान में उसको ऐसे जूते पड़े थे कि उसकी हड्डियां तक नजर नहीं आई थी। तेरे बाप ने भी जुआ खेल लिया है, कुरुक्षेत्र की जंग अभी बाकी है। चलो जंग बाकी। गुरु मुझे मालूम है कि तुम बिल्कुल फिल्मी विलन की तरह मुझे घर से अगवा करके मेरे डैडी से पैसे वसूल करना चाहते हो। ये तो अच्छा हुआ कि मैं खुद डैडी से लड़कर घर से बोरी बिस्तर कपड़े वपड़े सब लेकर आई थी। अभी मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। हाँ पीछे मुड़कर नहीं देखना। अगर मुझे मालूम होता
कि तुम मुझे जंगल में लाने वाले हो तो मैं अपनी सफारी ड्रेस और बंदूक दोनों साथ में ले आती, क्योंकि मुझे शिकार का बहुत शौक है। अरे गुरु कुछ तो बोलो, मालूम है अगर तुम मुझे किसी फाइव स्टार होटल में ठहराते तो मैं दिन भर टीवी में फिल्में देखती और तुम डैडी को फोन पे धमकी देकर आराम से पैसे वसूल कर सकते थे। मालूम है लड़की, मैं उनमें से नहीं हूँ जो पैसे के लिए लड़की को भगा कर ले जाए। अरे वाह गुरु, क्या डायलॉग मारा है। खामोश। यही तो मेरी प्रॉब्लम है, एक हफ्ता खाना नहीं मिले चलेगा लेकिन एक मिनट खामोश नहीं रह सकती, जबरदस्त खुजली आने लगती है। इसलिए तो गुरु जब मैं कॉलेज में थी ना तो मैं डिबेट में हमेशा फर्स्ट आया करती थी और इसके अलावा इतना तेज भागती थी जैसे कि रॉकेट रनिंग रेस में तो मैं चैंपियन थी। सिर्फ बकवास करने में चैंपियन रही हो। देखो गुरु, मेरी रनिंग रेस कैंसिल करके मुझे मेरा दिल नहीं दुखाना, मुझ पर यकीन नहीं आता तो मैं अभी भाग कर दिखाऊं। वो दूर वो पेड़ नजर आ रहा है ना, मैं वहां जाकर यहाँ वापस आ सकती हूँ 30 सेकंड में, दिखाऊं। वन टू थ्री। चौंक गया धरतीराज, तो भाग कर सात समुंदर पार कर यहां आ गया और मैं तुझे ढूंढता हुआ यहां भी आ पहुंचा। जो खबर सुनाने आया हूं धरतीराज, उसे सुनकर तेरा कलेजा पुरानी दीवार की तरह ताक जाएगा। तेरी बेटी को गायब करने वाला मैं ही। हमारी बेटी को तुम अगवा किया? हाँ। नहीं ऐसे ना कहो, हमारी बिटिया को छोड़ दो, के बदले में तुम जो चाहो हमसे ले लो, हम खुशी से देने को तैयार हैं। तुम क्या दे सकते हो धरती? अरे जो मांगो, हमारी सारी दौलत ले लो, हमारी बिटिया हमारी दौलत से ज्यादा कीमती है। हमें वो सब कुछ नहीं चाहिए। अरे तो फिर तुम्हें कहा चाहिए? मेरी बहन की जिंदगी दे सकोगे? मुझे मेरी अंधी देवी समान बहन की जिंदगी चाहिए धरतीराज, जो तेरे जुल्म और पाप का शिकार बन के मर गई। तूने उस मासूम पे एक शैतान और राक्षस की तरह हमला किया होगा और वो अपने बचाव में कैसे भैया भैया कहकर रोई होगी। वो आवाज तो मैं नहीं सुन सका लेकिन उसका अंदाजा मैं जरूर लगा सकता हूं, उसका अंदाजा मैं जरूर लगा सकता हूं धरतीराज, लेकिन तू अपनी बेटी के कराने की आवाज जरूर सुन सकेगा। नहीं, छोड़ दो मुझे, भगवान के लिए छोड़ दो मुझे, तुमने मुझे यहाँ क्यों कैद कर रखा है? क्यों? मैं नहीं, बंद करो, हम आज नहीं घूम सका। अभी तो और बाकी है धरतीराज, मैं अपनी मरती हुई बहन की हालत को अपनी आंखों से नहीं देख सका लेकिन तेरी बेटी कैसे तड़प रही है, इस नजारे को मैं इन तस्वीरों में कैद करके लाया हूँ, देख अपनी आंखों से। धरतीराज देख, देख अपनी आंखों से, देख। नहीं, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, तुम्हारे पैरों में अपना सर रखते हैं,
हमरे पाप का बदला हमारी बिटिया से ना ही लो, चाहो तो हमका मार डालो, हमरे टुकड़े टुकड़े कर डालो, पर वो का छोड़ दो, हमारी बिटिया को छोड़ दो, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। नहीं धरतीराज, मेरा उसूल है जुल्म का बदला जुल्म और खून का बदला खून। जिस तरह तूने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी बहन को मार डाला, उसी तरह मैंने तुझसे बदला लेने के लिए तेरी बेटी ज्योति को उठा लिया। अब अपनी इकलौती बेटी के लिए तू तड़पेगा, रोएगा, फरियाद करेगा और तब जाकर मेरे सुलगते जख्मों को ठंडक पहुंचेगी। और जब तक तू घुट घुट कर मर नहीं जाता, तब तक तुम्हारी बेटी ज्योति मेरे कब्जे में रहेगी। एक बात और याद रखना धरतीराज, अगर तुमने पुलिस को खबर करने की कोशिश की तो वो घड़ी तुम्हारी बेटी ज्योति की जिंदगी की आखिरी घड़ी होगी। सर जी, आपने जिंदगी में हमेशा ये कहा है कि आपको दो ही चीजें प्यारी हैं, एक आपकी लड़की ज्योति और दूसरी दौलत, तो इन दोनों को हासिल करने का मतलब एक ही तरीका है। का? राकेश को जेल से छुड़वाइए, उससे अपनी गलती की माफी मांगिए, क्योंकि राकेश ही एक ऐसा आदमी है जो राजेश का मुकाबला कर सकता है। तो राकेश और ज्योति का मिलन होने दीजिए, आपको अपनी लड़की ज्योति मिल जाएगी, आपकी दौलत भी कहीं नहीं जाएगी और ऊपर से एक दामाद मिल जाएगा मिलावट मार के। हमका माफ कर दो बेटा, हम तेरी कदर ना ही किया, गुस्से के जोश में आकर हम तेरे को पकड़वा दिया। हमका माफी दे दो और किसी भी तरह हमारी बिटिया को बचा कर ले आओ, हम तेरे पाँव पड़। तुम दौलत वालों का कोई ईमान नहीं होता, जब खुद का पल्ला भारी होता है तो दूसरों को पाँव तले कुचलते हो, जब दूसरे का पल्ला भारी होता है तो फौरन पैर पकड़ लेते हो। अब मेरे पास क्या लेने आए हो, तुम्हारे पास दौलत है, जाओ पैसा फेंको और अपनी बेटी को वापस खरीद लाओ। मारे हुए सांप को काहे मारत हो बेटा, इससे पहले कि ज्योति को कुछ हो जाए उसे उन बदमाशों से बचा कर ले आओ। जा बेटे, इसके कारण ना सही, अपने प्यार के कारण ज्योति को छुड़ा लो। राकेश करीब पहुंच चुका है, अपने आदमी लेकर जाओ और भाले मार मार के उसे खत्म कर दो अभी और इसी वक्त। डोंट वरी सो वी विल किल हिम। गो शंभु, सेफ साइड पर रहने के लिए राकेश की मां को उठा ला। हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। Wow!
तुम्हारा था उन लोगों ने। बोल बोल माँ जी, आपकी कहानी सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि राजेश ही आपका खोया हुआ बड़ा बेटा है। ये क्या कह रही हूँ बेटी? हाँ माँ जी, जैसा कि आपने कहा था कि उस रेलगाड़ी के हादसे में शांति के दादा ने राजेश को बचा लिया था। वाह 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 वाह, ये हमारे दुश्मन राकेश और राजेश दोनों भाई भाई हैं। ए बच्चा, इन दोनों को हमारे अड्डे पर लेकर आओ जल्दी। अरे तुम्हें इतना भी नहीं मालूम, जब लड़की नहा रही हो तो मर्द को मुंह फिरा लेना चाहिए। हाँ, मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि दौड़ने की तरह कहीं तुम तैरने के चैंपियन भी नहीं हो। अरे वाह, ग्रुप पानी बहुत अच्छा है, तुम भी क्यों नहीं नहाते? चलो लड़की, बकवास बंद करो, 5 मिनट पूरे होने का है, जल्दी करो। हुस्न है, क्या नजाकत है मेरी जान, तेरी हर अदा खयामत है। डबल रोटी वाली, आग नहीं छोड़ूंगा मैं। पत्थर से तेरी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। छोड़! नहीं, 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 नहीं। मैंने इसे सिर्फ धरती राज से बदला लेने के लिए अगुआ किया है, समझा? तू क्या खाक बदला लेगा? वो राकेश है ना राकेश, धरती राज के साथ मिल गया और अब तेरी छुट्टी कर देगा। राकेश से कैसे निपटना ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। फिलहाल तो अपने जलील इरादों को भुला कर यहाँ से भाग ले तो अच्छा है। आई मैं क्यों भागू? मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, अगर मैं इस घमंडी लड़की को खराब कर दूंगा तो इसका बाप धरती राज मजबूरन इसका हाथ मेरे हाथ में दे देगा, और इस तरह से धरती राज ने तो तुम पर अन्याय किया है, उसका बदला भी चुका दिया जाएगा और जो मेरी ख्वाहिश है ना ख्वाहिश भी पूरी कर दी जाएगी। जो जुल्म मेरी बहन के साथ हुआ है मैं उसे और किसी लड़की के साथ नहीं होने दूंगा। मैं बात तो सुना।
तुम दोनों भाइयों का मिलन मेरी भलाई के लिए किया है। रुक जाओ, एक कदम भी आगे बढ़ाए तो इन दोनों लड़कियों का सर धड़ से अलग हो जाएगा। बेचारे, तुम दोनों इन लड़कियों के गले मंगलसूत्र बांधना चाहते थे, अब थोड़ी देर बाद ये दोनों इन लड़कियों के गले मंगलसूत्र बांधेंगे और तुम लोग तमाशा देखते रह जाओगे। अगर ये शादी हुई तो फेरे लेने वाली पवित्र अग्नि इन लोगों की चिता बन जाएगी। आई, अबे पिंजरे में बंद है फिर भी पंजा मारने की कोशिश कर रहा है? क्यों नहीं, हम तुझ जैसे कुत्ते की औलाद नहीं शेर की औलाद है। शेर की औलाद है? अरे भाई, फिर तो तुम्हारा शिकार करना पड़ेगा। सुनो, इनकी माँ को पेड़ से बांध देना और इन दोनों को वो अपनी शेर वाली खाई में लटका देना। थोड़ी देर मेरा से कट जाएगी और हमारे शेरों की दावत हो जाएगी। आए माता जी, अब तुम अपने बच्चों का मौत अपनी आंखों से देखेगा। ए कमान कमीने गद्दार, हम तो कब बहुत देर में पहचाना, परसों तू हमारी जायदाद पर खुदाइश करता रहा और हमका धोखा देता रहा। क्या करूं, मेरा नाम माल पानी है ना,
माल खाना और दोस्ती को पानी में डुबाना मेरी जिंदगी का पहला उसूल है। अब मैं तुम्हें इससे भी बड़ा धोखा देने जा रहा हूं, कलेजा थाम लो वरना पानी बन के बह जाएगा। ये जानते हो क्या धरती राज, अफ्रीका की धरती पर तुम्हारी जितनी भी दौलत जायदाद है वो तुम अपनी मर्जी से मेरे नाम लिखने जा रहे हो और यहाँ दस्तखत करोगे। अरे हम जान दे दे पर दस्तखत ना ही करी। जान भी नहीं दोगी और दस्तखत भी करोगे। देखो दुल्हनियों की जोड़ी तैयार है। दुल्हनों की जोड़ी भी तैयार है। फादर जल्दी से मेरी शादी करो ना। अरे ठहर, तेरा ससुर जहेज देने में आनाकानी कर रहा है, कागजात पर दस्तखत नहीं की उसने अब तक। पुराने दोस्त, इन कागजात पर दस्तखत करके दोस्ती को जिंदा रखोगे ना तेरी बेटी जो है ना ये दूसरी दुनिया में चली जाएगी।
बहन, एक बार तुमसे प्रतिज्ञा की थी कि हम तुम्हारे चरणों में आ गिरेंगे। वो तुम्हार प्रतिज्ञा ही तुम्हार दोनों बेटों ने पूरी कर दी। हमसे जो पाप हुई गए हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं, क्योंकि इब हमने संन्यास लेने की ठान लिया। हम ही कहने के लिए यहाँ आए हैं। शुभम मंगलम सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। जम्बू मैं यहाँ हूँ। क्या बोल रहे हैं? हाँ, ये साउथ इंडियन भाषा नहीं है, ये आर्य लोगों की भाषा है, संस्कृत, जिसका मतलब है सब लोग सुखी रहो। सत्य है, तीन माह फर्क भी नहीं होना चाहिए और डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए।